पहली बार डेंगू के 13,000 से ज्यादा केसेस राजस्थान में आए हैं। डेंगू से 34 संवाद भी हुई है। जयपुर, कोटा और जोधपुर समेत 12 अजला खतरे के निशाने पर खड़े हैं। प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं। आज से स्कूल 100% गंजाइश के साथ ही खुलेंगे। वालदीन का कहना है कि कोरोना बढ़ गया है, छोटे बच्चों को नहीं बेच सकते। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया पहली मर्तबा टी20 आलमी कप का चैंपियन बन गया है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ दिया था। तरीपुरा में तशद्दुद के वाकयात की रिपोर्टिंग करने वाली दो खातून सहाफी को हिरासत में ले जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी का निजाम सहाफत के कत्ल में मसरूफ है, लेकिन झूठ के सामने सच कब रुकेगा। कंगना ने अपने बयान में हिंदुस्तान की आज़ादी से मुतल्लक तमाम तहरीकों जैसे कि 1857 की बगावत, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत तहरीक, भारत छोड़ आंदोलन, दांडी मार्च, अदम तहावन तहरीक और मतदद दीगर तहरीकात और इनमें हिस्सा लेने वाले लाखों हिंदुस्तानियों की कुर्बानियों की तोहिन की है। रनावत ने अपने गैर हसास और झूठे बयान के जरिए इन्हें नीचा दिखाया है। अरुणाचल एक्सप्रेस वे का 16 नवंबर को होने वाले इफ्ताह से पहले फजाया के तैयारों के एतवार को एक्सप्रेस वे पर रिहर्सल लैंडिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा मंगल को इस एक्सप्रेस वे का इफ्ताह करेंगे। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए नाफज लॉकडाउन में जब मौसलात के तकरीबन तमाम जराया बंद हो गए तो डिजिटल कनेक्टिविटी एक अहम टूल के तौर पर उभरती हुई सामने आई। यही वजह है कि 2 सालों में इंटरनेट का इस्तेमाल दुगना से भी ज्यादा हो गया है। चीफ जस्टिस एनवी रामन ने मजबूत जमहूरियत के लिए सेहतमंद अदालती निजाम की जरूरत पर जोर देते हुए एतवार को कहा कि जमीनी सतह पर इंसाफ निजाम मजबूत किए बगैर हम एक सेहतमंद अदलिया का तसव्वुर नहीं कर सकते। अफ्रीकी मुल्क सूडान के इकदार पर जनरल अब्दुल फत्ताह बुरहान के कब्जा के बाद मुल्क में एहतजाज व मुजाहरा का सिलसिला जारी है। अब दारुल हुकूमत खतूम में फौजी बगावत के खिलाफ हजारों अफराद ने एहतजाज किया, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की मुजाहरीन पर बराए रास्त फायरिंग से 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मार्शल कोर्ट ने सोमालिया के 7 शहरियों के कत्ल के इल्जाम में युगंडा के 5 फौजियों को कसूरवार ठहराते हुए 2 फौजियों को सजाए मौत और 3 दीगर को 39 साल कैद की सजा सुनाई।